उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री हूँ। रायबरेली जनपद वासियों को हमसे अपेक्षा है, रायबरेली का होने के नाते, इसलिए उनकी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने के लिए आने वाली 18 तारीख को एक विशाल किसान सम्मेलन जो राज्य स्तरीय हो रहा है जनपद रायबरेली के GIC मैदान में, उसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी सफलतम किसान हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के भी कई प्रदेशों के जो सफलतम किसान हैं, वो सब अपने उत्पाद लेकर के रायबरेली के GIC मैदान में 18 तारीख को उपस्थित रहेंगे। उद्यान विभाग के सभी अधिकारी अपनी योजनाओं के जानकारी लेकर के उपस्थित रहेंगे जो रायबरेली के किसानों को देंगे। बाहर के तमाम ऐसे लोगों को हमने आमंत्रित किया जो सफलतम किसान हैं, जिन्होंने सफलता के शिखर तक अपनी मेहनत और परिश्रम के बदौलत उद्यान विभाग के सहयोग से उन्होंने अपनी आय बढ़ाई है। ऐसे किसान चाहे वो उत्तर प्रदेश के जिस कोने के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर विकसित राज्यों में जो अच्छी खेती करने के लोग, जैसे महाराष्ट्र के हैं, जैसे हरियाणा के हैं, जैसे गुजरात के हैं, ऐसे किसान भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे अपने उत्पाद के साथ साथ, अपनी तकनीक के साथ में, और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के वैज्ञानिक भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे कि किस तरह से हम अच्छी खेती करके रायबरेली जनपद वासियों की आय को बढ़ा सकते हैं, ये प्रयास उनका होगा। उद्यान विभाग हमारा पूरा का पूरा मौजूद रहेगा कि उद्यान विभाग से हम कैसे अपने किसानों को सहयोग दे सकते हैं, इसके लिए उद्यान विभाग भी उपस्थित रहेगा। जो पेस्टिसाइड वाली सब्जियां हैं या पेस्टिसाइड वाला अनाज है, उसके बजाय ऑर्गेनिक पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती अगर हम करेंगे तो हमारी लाइफ सिक्योर होगी। जैसे मान लो केमिकल से, पेस्टिसाइड से हम हमारे किसानों को या पूरे आम जन को तमाम कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी हो रही हैं, तो अगर हम थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक या प्राकृतिक या वैदिक खेती, तमाम विषय हैं, अगर इनको हम करते हैं तो हमको इनसे भी छुटकारा मिलेगा। हमको एक अच्छी खेती, जो अगर मान लो पैदावार इसमें कम होती है, लोग कहेंगे कि रासायनिक खादों से पैदावार ज़्यादा होती है, तो अगर ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं तो उसका मूल्य भी अच्छा मिलता है और लंबे समय के लिए हमारी मिट्टी जो अनुपजाऊ होती चली जा रही, उससे हम बचेंगे। जितना रासायनिक खादों का उपयोग हम करेंगे उतनी हमारी मिट्टी खराब होगी। तो हम लोग धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अपने कम से कम इसकी शुरुआत मैं अपने रायबरेली जनपद से ही कर रहा हूं, और मेरी कोशिश होगी कि रायबरेली जनपद को क्लस्टर वार्ड डिवाइड करके किस क्लस्टर में हम केले की खेती को प्रमोट कर सकते हैं किसानों के बीच में, किस क्लस्टर में हम हल्दी की खेती करा सकते हैं, किस क्लस्टर में हम और तरह की चीज़ें उगा सकते हैं जो हमारी कैश क्राप हैं, कहाँ पर हम मधुमक्खी पालन करा सकते हैं, कहाँ हम साग भाजी का की उपज ले सकते हैं। निश्चित तौर से मिर्च मंडी स्वीकृत हो चुकी है और हमारे बेसिकली सताओं विकासखंड में मिर्च का उत्पादन अधिक होता था और मिर्च मंडी नहीं थी, तो मिर्च के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और गुरबकस गंदे एक मिर्च मंडी की स्थापना हमारा विभाग करने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, और खेती के साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयाँ भी हमको अधिस्थापित करानी है, मंडी भी हम आपको दे रहे हैं। जैसे हमारे अभी सताओं में कहा कि सताओं में मिर्च की खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे यहाँ मिर्च मंडी नहीं थी। हमने 60 करोड़ रुपए की लागत से गुरबकसगंज में मिर्च मंडी स्वीकृत कर दी है और दो मंडियाँ, और जैसे ऊंचाहार की मंडी हमारी लालगंज लगती थी, ऊंचाहार का किसान अपने उपज को बेचने के लिए लालगंज आता था, उसके बजाय हम व्यवस्था कर रहे हैं कि ऊंचाहार में ही अब एक अनाज मंडी, फल मंडी और सब्जी मंडी ये सब वहाँ हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त जैसे हमारा सब्जी मंडी क्षेत्र है शहर के भीतर, बहुत खराब सिचुएशन में है, हम आप सब उसको भली बात जानते हैं। जो लोग सब्जी लेने के लिए इस आशा से कि ताज़ी सब्जी सब्जी मंडी में मिलेगी, आधी किसान लाया होगा और आधी हमको सब्जी मिल जाएगी, इस आशा से शहर के लोग जो है सब्जी मंडी में जाते हैं, लेकिन जाते समय न तो वो कार ले जा सकते हैं, ना मोटरसाइकिल ले जा सकते हैं, और बहुत ख़राब स्थिति में वहाँ के व्यवसायी भी होते हैं। तो हमने कोशिश की है कि रायबरेली की जो हमारी अनाज मंडी है उसके आधा हिस्सा जो अनुपयोगी था उसको हम अलग से सब्जी मंडी के रूप में विकसित करें। यह नहीं करने जा रहा हूँ कि सब्जी मंडी को हटा देंगे, लेकिन उस सब्जी मंडी के कुछ लोगों को
अनाज मंडी में अगर हम अच्छी सुविधा दे करके, अच्छी दुकानें दे करके, अच्छी सड़क दे करके, अच्छी पार्किंग दे करके, अच्छी चीजें दे करके अगर वहाँ जो लोग चाहें वहाँ चले जाएंगे, तो अगर आधी सब्जी मंडी भी शिफ्ट हो गई तो जो उस सब्जी मंडी में तमाम कपड़े की दुकानें हैं, जूते चप्पल की दुकानें हैं और तमाम दुकानें हैं, खुला खुला हो जाएगा। तमाम शहरी भी मंडी में, तमाम सब्जी मंडी में तमाम लोगों के रिहायशी आवास भी हैं जो सब्जी मंडी के कारण असुविधा हो रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको वहाँ शिफ्ट कर दें। हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, इसमें हमारे दो शहीद स्थलों के विकसित करने का हमारे उद्यान विभाग ने प्लान किया है। एक शहीद स्मारक मुंशीगंज में और एक जो शहीद स्मारक स्थान तो बहुत छोटा है, लेकिन जो कुछ उसमें कर सकते हैं अपने शहर के भीतर फिरोज गांधी चौराहे पर जो बना हुआ है, जितना कुछ उसके लिए कर सकेंगे, हमारे दोनों उद्यान विभाग, दोनों चीज़ों को उद्यान विभाग और कुछ अन्य विभागों के सहयोग से हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। हम रायबरेली की पहचान को अच्छी बढ़ा सकें, कैसे बढ़ा सकते हैं रायबरेली की पहचान को, इस उद्देश्य से भी मेरा प्रयास है कि रायबरेली शहर के प्रवेश करते ही कुछ महसूस हो कि हम रायबरेली में हैं, चाहे रायबरेली के महापुरुषों के नाम से द्वार बनाए, चाहे कुछ करें, इस आशय से भी प्रक्रिया चल रही है।